लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। इंदौर वैसे तो खाने पीने के लिए जाना जाता है, लेकिन पिछले 3 सालों से देश में सफाई के लिए नंबर 1 आने के बाद अब जल्द ही सड़कों पर घूमने वाले भिक्षुक से भी इंदौर मुक्त होगा। इंदौर कलेक्टर लोकेश जाटव ने निगमायुक्त को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त भी कर दिया है। इंदौर अब एक और पहल शुरू करने की तैयारी में है। जल्द ही इंदौर को अब भिखारी मुक्त बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने इंदौर को देश के शीर्ष 10 बड़े शहरों में से चुना है। इंदौर जिला प्रशासन द्वारा इस अभियान पर काम करना भी शुरू कर दिया गया है, जिसके लिए इंदौर निगम आयुक्त को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। रही बात भिक्षुक मुक्त इंदौर की, तो इसके पहले इस अभियान में आजीविका के संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसके लिए विभिन्न व्यक्तिगत संस्थाओं की मदद ली जाएगी, जिससे प्रत्येक भिक्षुक को अपनी दक्षता अनुसार कार्य भी मिल सकेंगे। भारत सरकार की इस नई पहल से कहीं न कहीं उन लोगों के लिए अच्छी साबित होगी जो सड़कों पर भीख मांगकर वहीं सो जाते थे। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट। इस क्रम में हम लोग जो काम कर रहे थे, अब भारत सरकार के भी निर्देश आए हैं कि देश के 10 जिलों को भिक्षुक मुक्त बनाना है। उसमें से मध्य प्रदेश के इंदौर जिले का चयन किया गया है, जिसके लिए हमने नगर निगम के आयुक्त को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। और अवेयरनेस और एनफोर्समेंट के साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है कि इनके जो आजीविका के साधन जो हमें उपलब्ध कराने हैं, इसके लिए विभिन्न व्यक्ति संस्थाओं का हम लोग सपोर्ट ले रहे हैं, ताकि इनको हम लोग ट्रेनिंग दें और बैंक से जो स्वरोजगार की योजना होती है इनसे उनको लिंक कर सकें और जो समस्या है बेसिकली उसको जड़ को एड्रेस करने की आवश्यकता है। देखिए, भिक्षुक मुक्त शहर के लिए जो कुछ शहर चुने गए हैं पायलट प्रोजेक्ट के लिए, उसमें एक इंदौर भी शामिल है। और इसमें कलेक्टर महोदय के द्वारा नगर निगम को और आयुक्त नगर निगम को नोडल अधिकारी बनाया गया है, और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये होना चाहिए, न केवल शहर के हित में है, बल्कि जो लोग इस वृत्ति में लगे रहते हैं उनके लिए भी बहुत आवश्यक है। कई बार ये देखा गया है कि कुछ लोग होते हैं जो एक तरीके से ठेके पर भीख मंगवाते हैं, बच्चों का शोषण करते हैं, इसके अलावा जो व्यक्ति होते हैं दूसरे उनका भी शोषण करते हैं, उनसे पैसे मांगते हैं, उनसे पैसे लेते हैं। तो ये प्रथा पूरी तरीके से बंद होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जो लोग इसमें लगे हुए हैं उनका प्रॉपर रिहेबिलिटेशन भी होना चाहिए। खास तौर पर कम से कम उनके भरण पोषण की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। तो सबसे पहले प्रथम चरण में हम लोग तो इसका एक सर्वे टाइप का कराएंगे, अगर कोई पुराना सर्वे है तो उसका वेरिफिकेशन करेंगे या नए सर्वे कराएंगे, जिससे कि हमको ये पता चल सके कि ये समस्या कितनी व्यापक है, कहाँ कहाँ पर किस किस प्रकार के लोग, उनके प्रोफाइल क्या है, क्या एज ग्रुप है, क्या उनका जेंडर है, कैसे लोग लगे हुए हैं। उसके बाद जो हमको आइडेंटिफाई हो जाएगा, हम एक कॉम्प्रहेंसिव प्लान बनाएंगे उनके रिहेबिलिटेशन के लिए, और खास तौर पर कम से कम हम लोग उनके भोजन की व्यवस्था कर सकें। इस संबंध में कई स्वयंसेवियों से भी मैंने बात की है, कुछ लोग मदद करने को भी हमारे तैयार हैं, कुछ लोग मिले हैं जो खास तौर पर इनके भोजन की व्यवस्था परमानेंटली करने को तैयार हैं। तो मुझे लगता है कि शासन प्रयास करेगा, निगम प्रयास करेगा और लोगों का और स्वयंसेवियों का हमको सहयोग मिलेगा, तो इस वृत्ति से हम लोग पूरी तरीके से मुक्त बना सकते हैं और ये क्लेम कर सकते हैं कि इंदौर पहला शहर है जो इस भिक्षा वृत्ति से पूरी तरीके से मुक्त हुआ है। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।